नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारे दिल में बार बार ये भाव आता है कि संसार से भाग जाएं, यहाँ पर दिल नहीं लगता, यहाँ से भाग जाएं, कहीं दूर जाके जंगलों में अपना घर बसा लें, या पहाड़ों पर चले जाएं, या किसी तीर्थ स्थान पर चले जाएं। मतलब इस भीड़ भाड़ में, इन लोगों के बीच में, ये लोग अब बिल्कुल भी सूट नहीं करते, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक बात को मैं अच्छे से आपको समझा दूं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ और ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर अधिकतर स्पिरिचुअल लोगों के मन में ऐसा भाव बार बार आता है कि यार क्या रखा है, यहाँ पर छोड़ के भाग जाओ और बिल्कुल अलग हो जाओ, और बस बैठ के, अकेले में बैठ के बस भगवान के नाम का चिंतन करो, मेडिटेशन करो और अपना आनंद लो, प्रकृति के समीप रहो और बस, और क्या करना है। देखिए, एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बाईपास। बाईपास, स्पिरिचुअल बाईपास का मतलब, जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आकर चीजों को बाईपास करना शुरू कर देते हो, मतलब मैं अपने फर्ज से दूर भाग जाऊं, ऐसा मन में फील आने लगता है, तो चीजें जो है ना, वो फिर बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। आपको रिश्ते अच्छे नहीं लगते, आप अपने रिश्तों से दूर भागने लगते हो, आपको धन कमाने में भी झूठ बोलते हुए संकोच होने लगता है, आपको ये लगने लगता है कि किसके लिए कमा रहे हैं, अरे क्या करना है इतना कमा के। तो आप चीजों के, दोस्तों से दूर होने लगते हो, आप घर परिवार से दूर होने लगते हो, आप समाज की मेन धारा से कटने लगते हो, आप एंटी सोशल होने लगते हो। इस बात का विशेष रूप से ख्याल करना है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल करना है मित्रों, कि संसार से भाग करने जाना संसार के प्रति जागना है। ये संसार में ही परमात्मा छिपा है, अलग थोड़ी है। अगर आपको इस संसार के भीतर रहते हुए परमात्मा नहीं दिखाई पड़ा तो बाहर रह के परमात्मा मिल जाएगा क्या? और याद रखिए, क्या बाहर जाने पर आपकी शरीर की जरूरतें खत्म हो जाएंगी? सबको सारी चीजें चाहिए, बाहर जाओगे फिर कोई ना कोई संसार बसा लोगे। अधिकतर आपने देखा होगा लोगों को, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे स्थान बने हुए हैं, वहां जाकर भी लोग आपस में किस तरीके से उनके रिश्ते बन जाते हैं, किस तरीके से वो अपने खाने पीने की, अपने ऐश परस्ती की चीजें, एक आश्रम बनाया, दूसरा बना लो, वहां पर भी यही चल रहा है, वहां पर भी अलग नहीं है वहां पर कुछ। आज हमें लगता है कि संसार में, इस रिश्तों के बीच में मेरा दिल नहीं लगता। याद रखना, इन चीजों से आप दूर नहीं जा सकते। संसार की बेसिक नेसेसिटीज के लिए इन लोगों से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, और अगर कनेक्ट होना ही है तो फिर भिखारी की तरह क्या कनेक्ट होना, अरे राजा की तरह रहो। बुद्ध के समय में अनेक लोग जो है छोड़कर संसार से भिक्षुक हो गए। उस समय शायद कभी वैलिड रहा होगा, लेकिन आज के समय में बिल्कुल वैलिड नहीं है। सोचिए, भगवान बुद्ध स्वयं भी आपके सामने एक दिन ऐसे कहीं किसी को नुक्कड़ पर आपको खड़े मिल जाए, आपको पता भी हो कि ये भगवान बुद्ध हैं, लेकिन फटे हाल उनकी हालत हो, आप कितना उनको एंटरटेन कर पाएंगे आज के समय में? भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, आप शायद पहचानने से भी इनकार कर दें, तो ऐसी बात नहीं बन सकती। इसलिए इस संसार में एक कंसेप्ट जो ओशो ने हमें दिया है, उसको बोलते हैं जोरबा द बुद्धा। जोरबा मतलब हु लिव्स लाइक ए किंग। वो बुद्ध भी है लेकिन वो लिव्स लाइक ए किंग। वो सब चीजों में अपनी परफेक्शन के साथ जीता है, वो जागता है, वो जागे हुए जीता है हर रिश्ते को। वो अपनी पत्नी के साथ भी निभाता है, बच्चों के साथ भी निभाता है, दोस्तों के साथ भी, माता पिता के साथ भी, अपने सब रिश्तेदारियों में सब तरीके से, अपने बिजनेस में भी वो डील करता है, वो नौकरी भी करता है या बिजनेस भी करता है, पैसा भी कमाता है, वो विदेश यात्राएं भी करता है, वो चीजों को एंजॉय भी करता है, लेकिन मन में पूरी तरह से वो एकांत में बना ही रहता है। उसके मन से परमात्मा की याद कभी दूर नहीं होती। बस एक बार अच्छे से याद रखो, बस इतना याद जिसके दिल में है कि वो याद है तो आबाद है, वरना सब बर्बाद है। उसे याद है, उसके दिल में याद है, वो लगातार चिंतन में लगा रहता है। संसार की भीड़ से वो भागने का प्रयास नहीं करता, अपनी जिम्मेवारियों से भागता नहीं है, जागता है, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति जागता है, अपने आप के प्रति जागता है, हर रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से निभाता है, इतनी खूबसूरती से कि याद रखिए, हम इस रंगमंच पर सीखने आए हैं, इस स्कूल में से, इस लेबोरेटरी में से अगर बिना सीखे लौट गए, परमात्मा फिर से भेज देगा यहां पर। अगर चाहते हैं कि मुक्त हो जाएं, अगर चाहते हैं कि परमात्मा हम अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को भी पा सके, परमात्मा को अपने भीतर उतार सके, तो याद रखिए, जागना है, भागना नहीं है। पूरी तरह से भीतर जागिए, और संसार से भागे भाग के फिरते हो, परमात्मा को कहां पालोगे? आखिर सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसी संसार में, इन्हीं लोगों के बीच में रहकर जितना समय निकाल सकते हैं निकालिए। जब लोग सोए हो, अपना काम कीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां जो सोबत है। थोड़ा प्यार से लोगों को मनाते हुए कि भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया,
प्यार से लोगों को मनाते हुए, सबको बैलेंस बनाते हुए, उसी परिवार के बीच में, उसी पति पत्नी के बीच में बैठकर, परिवार के रिश्तों के बीच में, माता पिता के साथ बैठकर, आपके अंदर में लगातार जाप चल रहा है, परमात्मा की याद बनी हुई है खूबसूरत सी, बस इस बात को याद रखिए, खुल खेलो संसार में, मेरे गुरुदेव ने फरमाया खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोई, खुल के खेलो इस संसार के इस खेल को, जम जुगाती क्या करे जो सिर गांठ ना होए। याद रखिए कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इच्छाओं की गांठ नहीं होगी तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब संसार से हम डिजायर करना शुरू कर देते हैं, हमारी इच्छा संसार से कुछ पाने की चेष्टा, वो गृहस्थी है जो संसार को सब कुछ समझ के बैठा हुआ है। और सन्यासी मतलब जो संसार से जिसकी अपेक्षाएं खत्म, उसकी सारी अपेक्षाएं सारी उम्मीदें अपने आप से हैं, बस वो सन्यासी है। तो इसलिए संसार के प्रति विरोध नहीं, भागना नहीं, जागना, इसी भीड़ भाड़ में रहकर, इन्हीं दोस्तों के बीच में रहकर, यही सब तरह की चीजों को, मैं जानता हूं कि चीजें नेचर में बहुत बदलाव आ जाएगा, बेशक आप लोगों की पार्टियां एंजॉय नहीं कर पाएंगे जैसे आप पहले किया करते थे, धन पदार्थ मिलेगा लेकिन आपको वैसा रस नहीं आएगा जैसे पहले आया करता था, डेफिनेटली आपके अंदर चेंज आ जाएगा। अब आपके जो व्यर्थ की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, अब आपके लिए दूसरों की बुराइयां करना आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस चेंजेस का मतलब यहां से आप भाग खड़े हो, बिल्कुल भी नहीं। जागिए जागिए, बाईपास से काम नहीं होगा, जागने से काम होगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।